मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे से जनता को सीख लेनी चाहिए कि प्रदेश के मुखिया ने किस कदर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और जनता ने कोरोना काल में कितनी परेशानियां झेली हैं, जबकि सरकार आम आदमी को सजा देने की बात करती है पर खुद नेता ही लापरवाही बरतते हैं। ऐसे समय में हमें एक उदाहरण के रूप में जनता के सामने आना चाहिए ताकि जनता को लगे कि हमारे नेता सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में कई कायदे कानूनों का पालन करेंगे। बाली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर होने वाले बाल मेले को स्थगित किया है क्योंकि इस मेले में भी हजारों लोग आते हैं। ये भी एक तरह से उदाहरण है। सीएम जयराम ठाकुर को कांगड़ा आना था तो धर्मशाला स्थित सचिवालय में बैठकर काम करते। सड़कों पर बैंड बाजा बजवाने की क्या जरूरत थी। शक्ति प्रदर्शन के मौके पक्ष और विपक्ष के सामने बहुत आएंगे, लेकिन जब कोरोना नहीं होगा उसमें शक्ति प्रदर्शन करना सही है। बाली ने कहा कि धर्मशाला को राजधानी तो बना दिया लेकिन यहाँ कोई भी सेक्रेटरी तक नहीं बिठाया गया। बाली ने पूछा कि पिछले 3 वर्षों में बीजेपी सरकार ने क्या किया और क्या लेकर आए। इस समय लोगों के सामने वित्तीय संकट का सबसे बड़ा मुद्दा है। कर्मियों को समय पर ना तो वेतन मिल रहा है और ना ही पेंशनधारियों को पेंशन। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत भी खराब है। मामले सामने आते ही दब जाते हैं। सीएम टास्क फोर्स बनानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बेरोजगारी के मुद्दे पर बाली ने कहा कि बेरोजगारी पहले भी थी और कोरोना ने इसे और भी बढ़ा दिया। ये भी सवाल है कि बीजेपी सरकार ने आज तक कितनों को रोजगार दिया, ये बताना चाहिए। सीएम जयराम का कहना है कि कोरोना से हिमाचल को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन जनता को बताएं कि कहां और किस सेक्टर में नुकसान हुआ है। बसों का किराया बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल दिया है। ऐसे में लोग बस छोड़कर अपने वाहनों पर यात्रा कर रहे हैं क्योंकि किराए के हिसाब से बस यात्रा महंगी हो गई है। ये सब ट्रांसपोर्टों को लाभ देने के लिए किया गया है। छोटी बच्चियों के खिलाफ जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उन पर तुरंत अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त ने बताया कि उत्पादकों और रीपैकर्स को वर्ष में अपनी रिटर्न भरनी होती है, लेकिन कोविड के चलते कुछ उत्पादक और रीपैकर्स अपनी रिटर्न नहीं भर पाए थे, इसलिए FSSI ने उन्हें छूट में अवधि में कुछ छूट दी थी, लेकिन अब वह समय निकल चुका है। अब FSSI ने नोटिस जारी कर दिया है कि जिस भी उत्पादक ने समय पर रिटर्न जमा नहीं करवाई उसे अब रिटर्न जमा करवाने के साथ साथ जुर्माना भी भरना होगा। अगर वह समय रहते रिटर्न नहीं भरेगा तो उसके खिलाफ और भी सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने दी। खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि FSSI ने रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी थी, लेकिन कुछ उत्पादकों और रीपैकर्स ने रिटर्न नहीं भरी है, इसलिए FSSI ने 100 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना उत्पादकों और रीपैकर्स पर लगाया है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि उत्पादक और रीपैकर्स जल्द से जल्द अपनी रिटर्न जमा करवाएं, अन्यथा जुर्माने की रकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। सोलन के ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने सेंध तो लगा दी लेकिन चोरी नहीं कर सके। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शोरूम के कर्मचारी सुबह शोरूम को खोलने के लिए पहुंचे। उन्होंने जब शोरूम को खोला तो पाया कि अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। कर्मचारियों ने इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि शोरूम के पिछले दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर घुसे थे, जिन्होंने शोरूम में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम होने के चलते वे अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके और खाली हाथ ही उन्हें लौटना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। अगर चोर अपने इरादे में कामयाब हो जाते तो ये एक बड़ी घटना हो सकती थी। शोरूम के कर्मचारी ने बताया कि जब उनके द्वारा शोरूम खोला गया तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को दी। पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस अब इस घटना की छानबीन कर रही है।
अधिक जानकारी देते हुए थाना प्रभारी धर्म सिंह नेगी ने बताया कि उन्हें जैसे ही घटना की जानकारी मिली वे मौके पर पहुंचे तो पाया कि शोरूम में चोरी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन चोर यहां की सुरक्षा व्यवस्था को भेद नहीं पाए। उन्होंने बताया कि चोरों ने सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की है ताकि पुलिस उन तक न पहुंच सके। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है।